बढ़ेगी हम लोगों की संख्या। बंगाल से इस शब्द आया है भाई, क्या खेला होगा, नंबर का खेल है ना, तो नंबर के खेल में आंकड़ा कहाँ है ये बताइए। बात नहीं है, सारे विधायक जनता दल यू के विधायक, भाजपा के विधायक और एक निर्दलीय विधायक, जो कुल संख्या हम लोगों का 128 है, पूरा इंटैक्ट है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात कोई बात नहीं। देख लीजिएगा, जो लोग बोला हवा में बोला है, इन्होंने सबको उन्होंने टच किया, ऐसी बातें हैं, लेकिन कोई हिला नहीं है। खेल तो होगा अभी, खेल तो होगा। बंगाल से इस शब्द आया है भाई, क्या खेला होगा, नंबर का खेल है ना, तो नंबर के खेल में आंकड़ा कहाँ है ये बताइए। हम लोग इस तरह का कोई काम करते नहीं है। अगर नीतीश कुमार का नेतृत्व अगर किसी को पसंद होगा तो आने में क्या दिक्कत। इस बात को चैलेंज कर रहा हूँ कि जनता यूनाइटेड के एक भी लोग टूटने वाले नहीं है। हमारे NDA के जितने भी माननीय विधायक हैं सभी इंटैक्ट हैं। ये जितनी भी बातें हो रही है ये सिर्फ अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जिस बात का डर था आखिर वो हो ही गया। आपको बता दें कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट से पहले ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के विधायक उनके कस्टडी से बाहर हैं, उनके संपर्क में भी नहीं हैं और नाराज भी चल रहे हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के लिए ये बड़ा टास्क था कि अपने विधायकों को कैसे एकजुट रख पाते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने कोर टीम के मेम्बर्स को काम दिया। हालांकि कितनी सफलता मिली, कितनी असफलता मिली, ये तो अलग बात है, लेकिन इसी कड़ी में एक दूसरा काम और कार्यक्रम ये बनाया गया कि श्रवण कुमार के आवास पर सभी लोग भोज में जुटेंगे और वहाँ बैठक करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन अचानक से इस बैठक में मात्र गिने चुने लोग ही पहुँच पाए। नीतीश कुमार के कोर टीम के सदस्य इस बैठक में शामिल हुए और नीतीश कुमार बहुत ही कम समय में जैसे आए वैसे ही उल्टे पांव वापस चले गए। इसके मायने कई निकाले जा रहे हैं, लेकिन वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अपनी कोर टीम के मेंबर्स, वर्तमान और पूर्व मंत्रियों को इस काम के लिए भिड़ाया है। उन सभी ने कमान भी संभाल लिया है। जब ये सारी बातें चल रही थी तो हमारे रिपोर्टर अब्बास वहाँ मौजूद थे। अब्बास ने कई खबरें भेजी हैं, कई विजुअल्स भेजे हैं, हमने कई खबरों में उन विजुअल्स को शामिल भी किया है। लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं और जिन बातों को सुनाने जा रहे हैं वो आप अगर बारी बारी से सुनिएगा तो आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है, खेल कहाँ हो रहा है, क्या खेल हो गया है या फिर अभी बहुत कुछ बाकी है। 12 तारीख को सब कुछ निकल करके सामने आएगा। बहुत सारी रणनीतियाँ, राजनीति और कई करवट अभी कहा जा रहा है कि ले सकती है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं जो वर्तमान नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री पद का शपथ ले चुके हैं और विभाग भी बंट गया उनको, वो है सुमित सिंह। हैं तो निर्दलीय लेकिन नीतीश कुमार के सपोर्ट में लगातार खड़े हैं 2020 से ही। सुमित सिंह क्या कह रहे हैं आप जरा सुन लीजिए। आज बढ़ने वाले की आप लोग 128 पूरा है, संख्या बढ़ेगी कि 128 बढ़ेगी हम लोगों की संख्या। उधर भी किया जा रहा है, बिल्कुल इंटैक्ट तोड़ने की क्या संपर्क किया जा रहा था क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब। अच्छा सुमित जी, दावा आपने भी किया था कि खेल होगा। खेल तो होगा अभी, खेल तो होगा, खेल का मौसम भी है, इस मौसम में खेल नहीं होगा तो क्या होगा। आपने सुमित सिंह की बातें सुन ली। जब अब्बास ने संजय झा से ये बातें पूछी कि आखिर हो क्या रहा है, आपके विधायक कहाँ हैं, तो उन्होंने खेला वाली बात को लेकर के ही कुछ अलग बात कह दी। आपको बता दें कि संजय झा ने क्या कहा और कितना कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर नजर आ रहा था, आप खुद सुनिए और देख करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या संजय झा जो कह रहे हैं उस बात और उनके पार्टी में जो चल रहा है वो एक साथ दोनों से का सामंजस्य बैठ रहा है। आप संजय झा को सुनिए, उसके बाद हम अगली बात कड़ी में आपको सुनाते हैं क्या होने वाला है। क्या बंगाल से इस शब्द आया है भाई, क्या खेला होगा, नंबर का खेल है ना, तो नंबर के खेल में आंकड़ा कहाँ है ये बताइए। JDU का है 45, BJP का है 79, 78, 123, और जो नंबर है इंडिपेंडेंट का, मांझी जी का, वो आपके सामने है। तो उसमें क्या खेला होना है, तब तो मान लीजिए कुछ लोग बैठ करके अपना कहानी चलाना है, कहानी चलाते हैं,
ये मैंडेट वैसे भी 2020 में से सरकार चली गई। आरजेडी में टूट की खबर आ रही है कि आरजेडी के 12 विधायक बाहर है, ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फिर से एनडीए की सरकार यहाँ पे बनी। जैसा कि आपने संजय झा का सुन लिया, संजय झा नीतीश कुमार के साया की तरह आजकल रहते हैं और दिल्ली से लेकर पटना तक की दौड़ लगाते हैं। इनको लेकर के और भी कई बातें कही जा रही है, हमने खबरों में बताया है। लेकिन इसके साथ साथ जयंत राज, जो कि लौकुश समीकरण के एक नेता के रूप में जाने जाते हैं, पिछले सरकार में मंत्री भी रहे हैं, लगातार वो 2020 से मंत्री हैं, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा है और कहा है कि जो बातें चल रही हैं उसमें और जो हकीकत है उसमें काफ़ी अंतर है। क्या कह रहे हैं जयंत राज, आप सुनिए, उसके बाद हम अगले जो नीतीश कुमार के करीबी हैं उनकी बात सुनाते हैं। ऐसी बात नहीं है, सारे विधायक जनता दल यू के विधायक, भाजपा के विधायक और एक निर्दलीय विधायक, जो कुल संख्या हम लोगों का 128 है, पूरा इंटैक्ट है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात कोई बात नहीं है। हम लोग इस तरह का कोई काम करते नहीं है। अगर नीतीश कुमार का नेतृत्व अगर किसी को पसंद होगा तो आने में क्या दिक्कत। कांग्रेस के एमएलए भी टूट सकते हैं क्या जयंत जी? अब देखिए आगे आगे क्या होता है। आपने जयंत राज की पूरी बात सुन ली। जयंत राज जो कह रहे हैं उन बातों को लेकर के और जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि उनके पास संख्या बल है, संजय झा ने भी ये बातें कही थी कि उनके पास अपने 45 विधायक हैं, सुमित सिंह का समर्थन प्राप्त है, वो मंत्री भी हैं हमारे खेमे में, इसके साथ साथ 78 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जीतन राम मांझी को जोड़ भी दिया है उन्होंने, लेकिन इसके साथ साथ जमा खां एक और बात कह रहे हैं और जमा खां की बातों में इस बात को बार बार पूछा जा रहा है उनसे कि क्या विधायकों से संपर्क राष्ट्रीय जनता दल या किसी और फोरम में किया गया है। जमा खान ने इस बात से हालांकि इनकार किया है, लेकिन उन्होंने इस बात को पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया है कि बातचीत नहीं हो रही होगी। सुनिए जमा खान क्या कह रहे हैं। एक भी नहीं, आप देख लीजिएगा, जो लोग बोला हवा में बोल रहा है, सबको उन्होंने टच किया, ऐसी बातें हैं, लेकिन कोई हिला नहीं है, सब लोग नेता को चाहने वाले हैं, नेता के नेतृत्व में काम करने वाले हैं। विधायकों से संपर्क लोग कर रहे हैं, किया होगा लोग, जैसे हवा जो चल रही है आपके द्वारा मैं सुन रहा हूँ, लेकिन इस बात को चैलेंज कर रहा हूँ कि जनता यूनाइटेड के एक भी लोग टूटने वाले नहीं है। ये कहा जा रहा है कि आप वहाँ बहुमत साबित करेंगे या डिजोल्व करेंगे, कुछ इस तरह से क्या? अब तो नेता निर्णय लेंगे ना, हम लोग तो आप जानते हैं कि सब लोग जितना है उससे ज्यादा हम लोग हैं, जो बहुमत दिखाना उससे ज्यादा हम लोग हैं, पूरा कोई दिक्कत ही नहीं, 128 से भी ज्यादा है, अब आपको सामने आ जाएगा। थैंक यू। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, इन चार लोगों के बाद हम पांचवा बयान जो आपको सुनाने जा रहे हैं, इस बयान को बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि इस बयान में बहुत कुछ छिपा हुआ है। ये बयान है लेसी सिंह का, जिनसे हमारे रिपोर्टर अब्बास ने जब बातचीत की और सवाल पूछने शुरू किए तो उन्होंने, सुनिए क्या कहा। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि लेसी सिंह भी एक कारण है जिसके चलते कुछ लोग नाराज चल रहे हैं। बीमा भारती ने तो खुलेआम लेसी सिंह के विरुद्ध मोर्चा ही खोल दिया था। अब लेसी सिंह के बयान को सुनिए और उसके बाद इन सभी बयानों के आधार पर कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि वर्तमान जो परिस्थिति चल रही है और जदयू की स्थिति है उसमें क्या कुछ होने वाला है और क्या संभावनाएं लग रही हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित हो जाइएगा तब। देखिए कहीं भी किसी भी तरह का हमारे एनडीए के जितने भी माननीय विधायक हैं सभी इंटैक्ट हैं। ये जितनी भी बातें हो रही है ये सिर्फ अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सच्चाई से परे है कि सभी हमारे एनडीए के विधायक एकजुट नहीं हैं। ये भ्रामक प्रचार लोग कर रहे हैं, इसमें देखिए वो तो देख लीजिएगा, 12 तारीख को पता चल जाएगा। ये जितनी भी चर्चा हो रही है इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है, सभी एनडीए के जितने भी माननीय विधायक हैं सभी एकजुट हैं। इसलिए भोज देखिए, भोज जो है ये तो एक परंपरा है, शिष्टाचार है, अपना अपना लोग जो माननीय विधायक हैं सहयोगी हैं सभी एक जगह, हम लोग विधानसभा में रहते हैं तो अभी है कि विधानसभा भी सत्र भी है, सब एकजुट यहाँ है पटना में, तो एक
भोज होता है, ये कोई पहली बार भोज नहीं हो रहा है, ये वर्षों से परंपरा है सभी दल के नेतागण और माननीय विधायक और माननीय मंत्री गण भोज देते हैं, ये इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि ये कोई पहली भोज हो रही है। हमसे कोई संपर्क नहीं। पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम